हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं क्यों नहीं होता है? इसका रीजन ये नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी तैयारी में कोई कमजोरी है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है जो मैंने इतने सालों की अपनी मेंटरशिप में सीखा है, और वो ये है कि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी टाइम पे नहीं शुरू करते। फर्स्ट करिए कि आपको एक मैराथन दौड़नी है जो कि 10 किलोमीटर की है, और एक बार मैराथन शुरू हो जाती है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी 2 से 3 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप अपनी रेस शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आप उस रेस को जीत पाएंगे? सर्टेनली नॉट। यही चीज होती है स्टूडेंट्स के साथ। आपने अभी अभी देखा कि जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुए उसके अंदर पेपर का लेवल कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बट अगर फिर भी आप सीरियस नहीं होते हैं, अगर आप अपनी तैयारी टाइम पे शुरू नहीं करते हैं, तो लास्ट के 3 महीने में आप क्या ही तैयारी कर पाएंगे। मैंने मेजोरिटी स्टूडेंट्स को हमेशा यही गलती करते देखा है कि वो नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं। आप प्लीज अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आपका जो परसेंटेज बन रहा है वो 55% बन रहा है या लेट्स से 58% बन रहा है, तो क्या इस परसेंटेज में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है? द चांसेस आर वेरी वेरी ब्लीक। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको सबसे अच्छा टीचर बनना है या अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पानी है, तो आपको जेआरएफ तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट वेट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन, माई नेम शुभम सिंघानिया और मैं आपका मेंटर हूँ फॉर योर यूजीसी नेट एज वेल एज पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके अभी अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे June 2021 के, उनमें पूछे गए थे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज गोइंग टू बी ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने सेशन शुरू कर दिए हैं। द सेशन आर गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम ट्यूजडे टू सैटरडे 7 PM शार्प। तो आप मेरे साथ हर शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में, एंड आप अपनी तैयारी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नोटिफिकेशन आएगी एंड कब आपके ऑलरेडी 2-3 महीने निकल चुके होंगे। फिर क्या होगा, आपके पास 3 ही महीने बचे होंगे प्रिपरेशन में, एंड आपको बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सो डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, आप जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू Keep getting notification about my classes. Also, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। The link has been provided in the description. Description पे लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट आपके दिमाग में है नेट जीआरएस से रिलेटेड, PhD से रिलेटेड, तो वो भी आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। The faculties are added there और faculties आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैं बता दूँ कि ये पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुए नवंबर दिसंबर, उसमें हर अटेम्प्ट में, हर शिफ्ट के अंदर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया। हमने बीच में भी डिस्कस किया था, चाहे वो शिफ्ट 1 कॉमर्स का हो, 2 का हो, 3 का हो, हर शिफ्ट में पीगेट थ्योरी या फिर लर्निंग थ्योरी के ऊपर सवाल आया ही आया था। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट थ्योरी समझेंगे। इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू पीगेट द एबिलिटी टू सॉल्व कॉन्जर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग 3 बेसिक एस्पेक्ट्स सच एज आइडेंटिटी, कॉम्पेंसेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर आपको कॉन्जर्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको 3 एस्पेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 3 एस्पेक्ट्स की रीजनिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज आइडेंटिटी, कॉम्पेंसेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, द स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट and the group of the objects according to that characteristics. हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो क्लासिफिकेशन की स्टेजेस जो बनाई है पीगेट ने, जहां पे उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं, 4 स्टेजेस बनाई हैं, वो स्टूडेंट की एबिलिटी पे नहीं डिपेंड करता है टू फोकस ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। तब तक मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और आपको ये 4 स्टेजेस की 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देता हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे सेशंस आप तभी अटेंड करिए जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, बिकॉज थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, 30 से 35 मिनट का हो सकता है, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं कि जीन पेगेट ने बताया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो पर्टिकुलरली 4 स्टेजेस में होता है, और 4 स्टेजेस में वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं कि एक एक एलिमेंट को ध्यान रखते हुए आपको उन्हें चीजें सिखानी है और उसी तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो अगर लोगों को पता है कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस में किस तरीके से उनकी मेंटल एबिलिटीज ग्रो करती हैं,
तो उसी बेसिस पे वो उनको एक्टिविटीज करवाएंगे ताकि वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बढ़ोतरी कर सके। ठीक है, आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया। अब इन चारों स्टेजेस को देख लेते हैं। पहली स्टेजेस है इनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिस जो होती है आपके बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। अब देखिए, अगर आप रट्टे लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी। सेंसरी मोटर का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं आप उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बेसिस पे आप चीजों को सिखाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें आप उनको टच करके सिखाते हैं, कुछ आप उनको देख के सिखाते हैं, दिखा के सिखाते हैं कि देखो ये पिक्चर्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो उनके सेंस ऑर्गन्स हैं, स्मेल करना, टेस्ट करना, उससे वो चीजों को लर्न करते हैं या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट हैपेंस एट द फर्स्ट स्टेज, दैट इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब एक बार उनको सेंसेस से समझ में आना शुरू हो गया, सेंस ऑर्गन्स उनके काम करने शुरू हो गए, तो सेकेंड जो ग्रुप है वो है फ्रॉम 2 ईयर्स टिल 7 ईयर्स। इस एज में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑपरेट करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि वो सिंबॉलिकली लैंग्वेज और इमेजेस, यहाँ पे मैं एक दूसरा टर्म आपको दे रहा हूँ, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दे रहा हूँ, सिंबॉलिक या फिर सिंबल्स। बेसिकली सिंबल्स के बेसिस पे आप उनको कुछ एक्शंस करके दिखाते हैं कि ये विक्ट्री साइन है या फिर भूख लगेगी तो आपको ऐसे करना है। दीज कुड बी वेरियस काइंड ऑफ सिंबल्स, जिसके बेसिस पे वो बात करना, लैंग्वेज सीखना और अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करते हैं। ठीक है, एंड दिस हैपेंस इन योर सेकंड स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें जो चाइल्ड होता है वो 7 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स के बीच में रहता है। और इस समय थोड़ी बहुत उसकी थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है, वो लॉजिकली चीजों को समझना शुरू कर देता है। मतलब अगर आप उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बाउल के अंदर पानी भरा हुआ है, या फिर अगर आप उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बॉल अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, तो वो इस चीज को ग्रास्प करना शुरू करेगा कि अगर कोई सामान ऊपर जा रहा है तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो बेसिक जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो उनमें ग्रो होना शुरू हो जाती है एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये थर्ड स्टेज है। यहां पे अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक दूं तो यहां पे बेसिकली आप एक टर्म याद कर सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, कि यहां पे बेसिकली वो इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब अगर आप उसको कुछ स्पेसिफिकली बताएंगे कि भाई बॉल ऊपर जा रही है तो वो नीचे आएगी, तो वो उसको जनरलाइज करने लग जाता है। ही मूव्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक एलिमेंट टू द जनरल एलिमेंट, जो कि एक इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट भी है, जो कि आप इंडक्टिव रीजनिंग में आपने पढ़ा ही था। ठीक है, वो ये चीज समझने लगता है और उसको वो अंडरस्टैंड करने लगता है। फोर्थ जो स्टेज होती है, दैट इज द लास्ट स्टेज एंड द फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जेन पेगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका मतलब है अब उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपनी मैक्सिमम लेवल पे है, मैक्सिमम ग्रोथ पे है, और ये एज होती है 12 इयर्स के बाद, जब हम कहते हैं कि भाई अब ये टीनेज में आ गया है बेसिकली। यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, आप उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करें वो अब यहाँ पे अपना दिमाग चलाने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या टर्म यूज किया जा सकता है, ही स्टार्ट्स यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब अगर आप उसको कोई जेनरिक चीज समझाएंगे उसके बेसिस पे वो अपना दिमाग लगा के, अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपने आप रीजनिंग खोजना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, अगर आपके कजन्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो आपने उनमें ये टेंडेंसी जरूर देखी होगी कि एक बार उनके 12 साल क्रॉस हो जाते हैं वो अपने आप बहुत तेजी से उनका दिमाग ग्रो करने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये चार स्टेजेस हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें समझनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, वो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर आप ये इमेजेस कहां से ले आए, कैसी सी इमेजेस हैं जो आपने डाल दी हैं? तो पहली जो इमेज है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस इमेज के बेसिस पे, द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो चाइल्ड है या जो स्टूडेंट है वो चीजों को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। मतलब अगर आप उसको एग दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे एक का एग्जांपल लिया है, अगर आप उसको एक अनब्रोकन एग दे दें या फिर आप उसको एक ब्रोकन एग दे दें, वो उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। ही डजंट गेट्स कंफ्यूज बिटवीन दिस आइडेंटिटी कि ये एग है। मतलब आप उसको तोड़ के दे देंगे तब भी वो पहचान लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आप उसको अनब्रोकन एग दे देंगे तो भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो बेसिकली उसके अंदर आइडेंटिटी का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। ये पहला कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट है हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? वो धीरे धीरे ये सीखने लगता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कि आप पानी को ही आइस के फॉर्म में भी रख सकते हैं, पानी को ही आप दोबारा कन्वर्ट करके, रिवर्स करके लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। तो आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर और इन लिक्विड फॉर्म। तो बेसिकली उसको रिवर्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट समझ में आने लगता है। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब है? यहां पे मैंने 2 डायग्राम्स लिए हैं, आई होप आप
देख पा रहे हैं, और प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर उसको एक छोटा बीकर दिया जाता है जिसमें हम कुछ पानी रखते हैं, और उसको दूसरा बीकर दिया जाता है जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है और उस बीकर में पानी डाला जाता है, तो वो उसको ये अंडरस्टैंडिंग होने लगती है चाइल्ड को एज अ फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि यहाँ पे क्योंकि हमने साइज बढ़ा दिया है, इसकी विथ ज्यादा थी पहले वाले डायग्राम के अंदर पहले बीकर की, और दूसरे वाली बीकर की हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो वो ये समझने लगता है, ही गेन्स दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो विथ को हमने कंपेंसेट किया है वो हमने हाइट से कर दिया है, तो उसको कॉम्पेंसेशन का एलिमेंट समझ में आने लगता है। मतलब अगर आप उसको दो बीकर पकड़ा देंगे जो अलग अलग साइजेस के होंगे, अलग अलग प्रोपोर्शन के होंगे तो वो उनको देख के आइडेंटिफाई कर लेगा कि इन दोनों के अंदर सेम वाटर आ सकता है, ठीक है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो जेन पिगेट थ्योरी क्या कहती थी कि अगर आपको कंजर्वेशन का प्रिंसिपल सिखाना है, अगर आपको उनको सिखाना है कि क्या चीज आपको कंजर्व करनी है इन टर्म्स ऑफ वाटर या अदर एलिमेंट्स, तो ये तीन प्रिंसिपल्स उस बच्चे को, उस चाइल्ड को आने चाहिए, अदरवाइज वो इस एलिमेंट को नहीं समझ पाएगा। आप खुद सोचिए कि जब तक उसको कॉम्पेंसेशन का एलिमेंट नहीं पता होगा, जब तक उसको रिवर्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं पता होगा, तब तक वो कैसे समझेगा कि जो वाटर आपने डाला है, जो आपने यहाँ पे कंजर्व किया है वाटर अलग अलग फॉर्म में, यहाँ पे बड़े बीकर में और यहाँ पे छोटे बीकर में, बट हाइट वाइज ये बड़ा बीकर है, वो वाटर सेम कैपेसिटी का है या फिर सेम क्वांटिटी का है, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन एलिमेंट है जिसको जेन पिगेट थ्योरी ने बताया कि भाई अगर तीन एलिमेंट्स आपको पता है, आइडेंटिटी का कंसेप्ट आप समझते हैं एज अ चाइल्ड, रिवर्सिबिलिटी का समझते हैं, कॉम्पेंसेशन का समझते हैं, तो ही आपको कंजर्वेशन का एलिमेंट समझ में आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आगे भी डिस्कस करने, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। ओके, इशिका इज सेइंग दैट द आंसर इज बी, सुनीता इज सेइंग दैट द आंसर इज बी, काफी सारे आंसर्स बी के लिए आ रहे हैं, एंड लेट सी, दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब अगर स्टूडेंट को, चाइल्ड को कंजर्वेशन का प्रॉब्लम सिखाना है, तो उनको ये तीनों एलिमेंट आने चाहिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी। भाई इट डिपेंड्स, बिकॉज अगर आप उसको फर्स्ट स्टेज में जहां पे वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, सेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करता है, उस स्टेज पे अगर आप उसको लॉजिकल थिंकिंग सिखाने की कोशिश करेंगे थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो जो स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेज पे वो सेंसेस की एबिलिटी है उसकी, कि वो सेंस ऑर्गन से चीजों को समझ पाता है। सेकेंड स्टेज में इट इज बेस्ड ऑन द सिंबॉलिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थर्ड में इट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव, एंड द फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव। तो ये चार एलिमेंट्स के बेसिस पे, चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप चारों स्टेजेस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो आ जाएगा हमारा करेक्ट, और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बिकम इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगर आप सबने सी करेक्ट आंसर दिया है, सो प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यू कैन मेक द बिहेवियर्स यू टीच मोर ऑथेंटिक बाई चेंजिंग द इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग एज ऑफन एज पॉसिबल इन मेनी वेज एज पॉसिबल। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट लग रहा है, तो प्लीज इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ा करिए, तभी आपको उसका मतलब समझ में आएगा। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आप चीजों को पढ़ा रहे हैं, जब एज अ टीचर आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग पॉसिबल वेज में समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी मैं आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी मैं आपको नेगेटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा, और कभी कभी मैं आपको इंस्पायरिंग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ बाय कॉलिंग आर प्रीवियस स्टूडेंट्स। तो ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप किसी एक कंसेप्ट को उसी कॉन्टेक्स में ना समझे, बिकॉज अगर आपने सिर्फ एक कंसेप्ट को उसी कॉन्टेक्स में समझा हुआ है, एक ही एलिमेंट से समझा हुआ है, तो होगा क्या, आप कभी भी उस कंसेप्ट को अपने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप कई बार देखते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट जब आप उनसे कह दें कि यार ये कंसेप्ट मुझे समझा दो, या फिर टीचर खड़ा करके क्लास में पूछ लेता है यार ये कंसेप्ट समझाओ, वो नहीं समझा पाते, बिकॉज उन्होंने वो चीज सिर्फ एक ही पैरामीटर के बेसिस पे समझी होती है, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते अलग अलग जगह, ठीक है। तो अगर हमें एक ऑथेंटिक बिहेवियर स्टूडेंट्स का डेवलप करना है, तो हमें उनको एक होलिस्टिक अप्रोच सिखानी होगी इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, टू टीच बिहेवियर दैट इज ऑथेंटिक, सेम एलिमेंट पे बेस्ड है, योर लेसन्स नीड नॉट, मतलब आपके लेसन्स नहीं होने चाहिए उस प्रेजेंट कंटेंट में, विच विल बी यूज्ड बाय अ लर्नर्स
ऑन असेसमेंट्स इन सब्सिक्वेंट ग्रेड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड योर क्लासरूम। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आपको ऑथेंटिक लेक्चर लेना है, ऑथेंटिक बिहेवियर सिखाना है, तो आपका जो कॉन्टेंट है, आपका जो लेसन है, वो प्रेजेंट कॉन्टेंट में इस तरीके से होना चाहिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो क्लासरूम के बाहर इसको कभी अप्लाई ना कर पाए। ठीक है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप सिखा रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके जो लर्नर्स हैं वो सब्सिक्वेंट ग्रेड में इसको अप्लाई ही ना कर पाए। सो दैट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मैंने दे दिए, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके अपना आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो काफी सारे मुझे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब तो हमें समझ में आ जाता है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जब आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाएंगे तभी लोगों को समझ में आएगा, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे लाइफ में। और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट बिकम्स इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो सिखाया है वो सिर्फ मेरी क्लास तक सीमित रहे। आप ये भी तो चाहेंगे ना कि जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, या जो भी वो सीख रहे हैं, वो बिहेवियर उनका उनकी पर्सनल लाइफ में भी यूटिलाइज हो, नॉट जस्ट इन योर इन देयर एग्जामिनेशन। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, बिकॉज लॉन्ग रन में आप सबको जाके टीचर्स बनना है। एंड आई विश ऑल माई स्टूडेंट्स दैट दे बिकम वंडरफुल टीचर्स इन फ्यूचर। तो आपको स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट समझाने हैं। ठीक है, तो वो सारा कॉन्टेंट जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो लेट मी सी व्हाट आर द ऑप्शंस देयर। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डी। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट एलिमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज दीज इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स फॉर डिलीवरिंग द लेसंस टू स्टूडेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। क्या मतलब है कि आपको कुछ अगर इंस्ट्रक्शन देनी है स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर करने से पहले, तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। बहुत ही कॉमन सेंस का बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉमन सेंस का जवाब जरूर दे पाएंगे। दो एक फेमस सेइंग है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट आई बिलीव कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए। ठीक है, लेट्स रीड द ऑप्शन। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब आप चाहते हैं कि वो एक डिजायर्ड बिहेवियर पोर्ट्रे करे, शो करे, गेनिंग अटेंशन, प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब देखो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो लास्ट स्टेज होगी, लास्ट स्टेप होगा, दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो हमने सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब आप सिर्फ पहले ऑप्शन पे देखिए, ए सी एंड डी, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये आंसर हो सकता है, गेनिंग अटेंशन, प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट। देखिए, ये तो नहीं हो सकता, प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो आपने फोर्थ भी एलिमिनेट कर दिया। अब आप ये सोचिए कि जब तक स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन देते टाइम आपका अटेंशन गेन नहीं करेगा, जब आप देखते नहीं कि क्लास में टीचर आता है और वो क्लैप करके कहता है यस प्लीज अटेंशन प्लीज, ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए किया जाता है सो दैट द क्लास बिकम्स अलर्ट। आपने देखा होगा कुछ खुराफाती स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में बाहर देख रहे होते हैं, इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, गप्पे मारने में लगे होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उनका अटेंशन गेन करना जरूरी है, तभी आप उनको ऑब्जेक्टिव बता पाएंगे दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस क्लास। तो जो सबसे पहला स्टेप होने वाला दैट इज गोइंग टू बी गेनिंग अटेंशन। तो अब आपको पता चल गया कि पहला स्टेप गेनिंग अटेंशन है और लास्ट स्टेप प्रोवाइडिंग फीडबैक है, तो हमें क्लियर कट आंसर मिल गया दैट द आंसर इज गोइंग टू बी सी। एक बार देख लेते हैं, पहला है गेनिंग अटेंशन, देन एक बार हमने अटेंशन गेन कर लिया स्टूडेंट का, हम उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इस ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, क्या यहाँ पे टेस्ट लेना है, यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना है, यहाँ पे कोई केस स्टडी करनी है, क्या करने वाले हैं हम। नेक्स्ट आप कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, आप उसको कंटेंट दे देंगे। ठीक है, एक बार आपने कंटेंट दे दिया तो आप चाहेंगे कि यार आप उस पर काम करो, यू वर्क ऑन डैट। सो बेसिकली आपके बिहेवियर को एक डिजायर्ड डायरेक्शन दी जा रही है, एंड लास्टली जब आप वो काम करके देंगे, सबमिट करेंगे, देन दे आर गोइंग टू गिव द फीडबैक। तो ये हमारे स्टेजेस हो जाएंगे, एंड देयरफॉर थर्ड और सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यही आंसर दिया होगा। प्लीज स्टूडेंट, कंसेप्ट पे फोकस करिए, आंसर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन अट्रैक्टिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज। अब देखिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि एक एनालिसिस में मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां मैंने आपको सिखाया था कि आपको आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज कैसे करनी है ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सके, कि मिक्स तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कंसेप्चुअल होंगे, कुछ फैक्चुअल होंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ला पाई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। पहला, लैक ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, बी डिफिकल्टी इन रिकग्निशन ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, कई बार क्योंकि हमारी जो
सिस्टम है, एलिजिबिलिटी सिस्टम है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता था बिकॉज ऑफ देयर कट ऑफ, तो इस बार उन्होंने नया प्रोविजन लेके आए हैं सी यू सेट का, ठीक है, जहाँ पे कॉमन एंट्रेंस कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। थर्ड इज रिजिड एडमिशन प्रोसेस, फोर्थ लैक ऑफ एंथुजियाज्म अमंग टीचर्स, ई लैक ऑफ एंथुजियाज्म अमंग स्टूडेंट्स। तो ये पांच ऑप्शंस हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस तो रिजिड नहीं है बिकॉज सरकार चाहती है कि फॉरेन स्टूडेंट्स आएँ, तो उन्होंने काफ़ी सारे काउंसलर्स बैठा रखे हैं जो उनको क्लैरिटी देते हैं। तो सी तो आंसर नहीं हो सकता, तो अगर सी आंसर नहीं हो सकता तो हमारे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। लैक ऑफ एंथुजियाज्म ना टीचर्स के अंदर है ना स्टूडेंट्स के अंदर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए एंड बी, मतलब एक तो उनको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती है सही तरीके से, और दूसरा उनकी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन को जो भी उन्होंने कर रखा है उसको हम बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इसलिए कई बार उनको एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा रीबूट करते हैं एक आसान से क्वेश्चन के साथ। द रैशनलिस्टिक अप्रोच, रैशनल मतलब क्या होता है, जो बेसिकली लॉजिक का इस्तेमाल करता है, प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है। तो द रैशनलिस्टिक मोड ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ, किस बेसिस पे आप रैशनल होते हैं ये आपको बताना है। इज इट अथॉरिटी, इज इट लीगैलिटी, इज इट लॉजिक और इज इट मैनिपुलेशन। दीज आर द फोर ऑप्शंस, आई थिंक बहुत ही बेसिक से हैं, आप इसका सही जवाब जरूर दे पाएंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अथॉरिटी तो नहीं हो सकता रैशनल के अंदर, ठीक है। रैशनल का मतलब ही होता है कि आप लॉजिक लगा रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपसे दोबारा एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन फरवरी लास्ट वीक मार्च के टाइम पे आता है, तब तक ऑलरेडी 2 से 3 महीने निकल चुके होते हैं, फिर आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा होता है जिसमें पेपर 1 का इतना ज़्यादा सिलेबस है, पेपर 2 का इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो कवर करना पॉसिबल नहीं होता। स्टार्ट अर्ली, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मेरे लेक्चर्स मोटिवेटिंग लगते हैं, इंस्पायरिंग लगते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय विजिटिंग ऑन द चैनल दैट इज अनुज जिंदल, और आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in पे भी जाके कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, बट लेट मी टेल यू दैट यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग टिल देन। टेक केयर एंड बाय।